जय श्री राम। हिम्मत, मेहनत, साहस और पराक्रम के ग्रह मंगल देव उच्च के होने के जा रहे हैं। अब इन उच्च का ग्रह मंगल ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार के फल देने के लिए तैयार है, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, कोई भी ग्रह अगर ब्रह्मांड में उच्च का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे ऊपर जा रहा है। दीप्तादि अवस्थाओं में देखा जाता है कि भी ग्रह नीच का है, अस्त है, वक्री है, शत्रु क्षेत्र है, मित्र क्षेत्र है, स्वराशि का है और सबसे ऊपर पे जाके पहुंचता है, तो उसको कहते हैं उच्च का ग्रह। उच्च का ग्रह यानी इससे ऊपर उस प्लेनेट का कोई लेवल नहीं होता। मंगलदेव जो कि हिम्मत और साहस के प्रतीक है, तो शनि जो कि धैर्य के प्रतीक है, सहजता के प्रतीक है, उनकी राशि में मंगल उच्च का होता है। यानी ऐसा मंगल जोशीला भी है और धैर्यवान भी है, लेकिन जल्दबाज नहीं है। इस मंगल की ये क्वालिटी है। मेष राशि में मंगल स्वराशि के होते हैं, लेकिन मेष का मंगल और वृश्चिक के मंगल में जमीन आसमान का अंतर है और इनसे भी डिफरेंस रूप में काम करता है उच्च का मंगल। अब मंगल देव आने वाली 7 फरवरी 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि से निकलकर अब वो अपने उच्च के ग्रह शनि की राशि के अंदर उच्च के हो जाएंगे। यानी शनि के जो घर होते हैं, दो घर हैं, एक मकर और एक कुंभ है। मकर के अंदर मंगल उच्च के हो जाएंगे और शनि ऑलरेडी सिंह अपनी कुंभ राशि में चले ही रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली शनि को बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि मंगल शनि की राशि में उच्च का हो गया और शनि स्वराशि के, शनि के दोनों घर, दोनों ही घर किसी ना किसी रूप से बली है। अब ये जो मंगल ग्रह है, यहां पर लगभग लगभग 7 फरवरी से 15 मार्च बहुत अमूमन देखा जाता है, 45 से 50 दिन के बीच में मंगल का गोचर एक राशि के अंदर रहता है। अब मंगल क्या है? हिम्मत, साहस, पराक्रम का प्रतीक है। यानी आपके अंदर इस प्रकार की एनर्जी देने वाला ग्रह है कि मेरे एनर्जी कारक ग्रह जो है वो अब बली है। अब उसको हम ये देखेंगे कि वो आपकी जो राशि है उस राशि से वो किन भावों के अंदर गोचर कर रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी किस भाव में जा रही है वो देखना है। मंगल किन भाव के स्वामी है वो देखना है। मंगल किन के साथ संबंध बना रहे हैं वो देखना है। तभी हमको पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली जो मंगल ग्रह हैं इनके गोचर का रोल क्या है, कि इस बार क्यों खास है। क्योंकि मंगल तो हर बार उच्च के होते ही हैं। मंगल के लिए देखा गया है कि 1.5 से 1.5 साल के बाद वो फिर से उसी राशि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है, वही हमारा आज का विषय है, जिसको मैं बहुत तरीके से आपको समझाऊंगा। क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे, मंगल भी मकर में गोचर कर गए, दोनों ही ग्रह शनि की राशि में और दोनों शनि इस दौरान कुंभ राशि में स्वराशि के। मंगल ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, उत्तरी, आषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र होंगे मंगल के जिसमें उनका गोचर होगा। अब जिन लोगों को मंगल की दशा चल रही है, जिनको शनि की दशा चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा है। या अगर आपका जन्म उत्तरी, आषाढ़, श्रावण या धनिष्ठा इनमें से किसी नक्षत्र में हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका फर्क अन्य राशियों के मुकाबले ज्यादा देखा जाएगा। उत्तरी आषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। यानी यहां मंगल गोचर करते हुए स्वयं अपने ही राशि में, अपने ही कक्षा में, अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यानी मंगल जो कि मकर राशि में, एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये परम उच्च के हो जाते हैं, लगभग 20 डिग्री के आसपास जाके देखें तो मंगल उच्च भी होंगे, परमोच्च भी होंगे, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में भी चलेंगे, अपने भी नक्षत्र में चलेंगे। यानी मंगल का बल आप देखिए कि ये साधारण मंगल नहीं है, ये आपके लिए बहुत बली मंगल है। अब इसको देखना यह है कि ये आपकी राशि के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, उसी चीज को, उसी विषय को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसलिए बड़े वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और समझें, जिससे आपको पता लगे कि ये मंगल अगर मकर में आए हैं तो हमें कब कब किन किन क्षेत्रों में फायदा दे सकते हैं, लाभ दे सकते हैं, कोई सावधानी बरतनी है, कोई उपाय करने हैं, वो सब मैं इसके अंदर आपको लेकर चलूंगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम भी रखा है कि मंगल का रास बुझाएगा प्यास। यानी कहीं ना कहीं ये जो मंगल का गोचर है, ये जो मंगल का रास है, ये आपकी प्यास को बुझाने वाला है। यानी आपके मन के अंदर जो उमंगे हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, तो उसको ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल करने में सक्षम है।
अब इसको हम आपकी राशि से देखेंगे कि अब आपकी राशि से जो मंगल का गोचर है ये आपको क्या फल देने वाला है। आइए अब देखते हैं मकर राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कि आपकी राशि के मालिक शनि देव हैं और शनि देव की अपनी दो राशियां हैं। सबसे पहले इसे समझें कि शनि या राशि और दूसरे घर का मालिक है। राशि यानी आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका तन, आपके कार्य करने की क्षमता, आपकी मानसिकता। दूसरा घर यानी धन, कुटुंब, वाणी, बोलचाल, इन दो भावों के स्वामी शनि है। एक भाव में शनि स्वयं है, धैर्य के परिचायक होकर पहले भाव में बैठे हुए हैं। मंगल उच्च के होकर, जिसको हम जोशीला ग्रह कहते हैं, यानी शनि की दोनों राशियां बली हो गई। और जब शनि की दोनों राशि बली हुई, क्योंकि एक में मंगल उच्च का और एक में शनि स्वराशि का, इसका मतलब है सीधा सीधा ये समय एक बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अवश्य ही कुछ आपके जीवन में बड़ा और बेहतर होने वाला है। अब मंगल, जिसको हम उच्च कहते हैं मकर राशि में, और जैसे ही वो उच्च का होता है रोचक नामक राजयोग बनाता है, यानी मंगल के कारकत्व में वृद्धि है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि मंगल के क्या क्या कारकत्व हैं, और उन कारकत्वों का वृद्धि का समय मंगल है। कि मंगल क्या है, कंस्ट्रक्शन का कारक है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कारक है, साहस का, हिम्मत का, स्पोर्ट्स का कारक है, जीवन में आगे बढ़ने की जो कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है ना, वो मंगल पे आती है। और वो मंगल क्या हुए, एग्जॉल्टेड हुए, उच्च के हुए, यानी मन के अंदर कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, हिम्मत पूरा है, जोश पूरा है, साहस पूरा है। ये मंगल शनि की राशि में बैठकर चौथे घर को देखते हैं। चौथा घर मंगल की स्वयं की अपनी राशि का है। चौथे घर का मालिक उच्च का होके राशि में चले और शनि भी इसे देखे, तो इस दौरान दोनों, चाहे वो प्लेन जमीन हो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, इससे संबंधित कुछ ना कुछ काम या फायदा आपके जीवन में होना, चाहे रिनोवेशन शुरू हो, चाहे मकान के अंदर कुछ काम कराना शुरू कर दें, चाहे मकान बनाना शुरू कर दें, चाहे प्रॉपर्टी परचेज कर लें, चाहे कोई लैंड परचेज कर लें, या किसी चीज़ की पजेशन मिल जाए, किसी चीज़ की शुरुआत हो जाए, लेकिन चौथे घर पे प्रभाव है। इसका मतलब ये काम होगा, क्योंकि चौथे घर में ऑलरेडी बृहस्पति का गोचर भी चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं शनि और मंगल दोनों ग्रह मिलकर इसको दृष्टि देते हैं, यानी फोर्थ हाउस रिलेटेड पूरा रिजल्ट, चौथे घर का मालिक एग्जॉल्टेड, उसका पूरा रिजल्ट मिलता है। यानी मंगल का शनि की राशि में जाना, रोचक राजयोग बनाना, इस बात की पुष्टि करता है कि ये समय आपके लिए खास है। मंगल का सेवंथ हाउस में भी, अब मंगल क्या है, जोश से भरा हुआ ग्रह है। लगन में मंगल हो तो क्या कहते हैं, मंगल दोष है। क्यों कहते हैं मंगल दोष, क्योंकि हिम्मत, जोश और साहस, एनर्जी बहुत है, ऐसे लोगों को काम करने को चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति ने काम नहीं किया तो वो अपना क्रोध, अपना एग्रेशन या कुछ भी एनर्जी अपनी घर वालों पर निकालना शुरू करेगा। इसलिए चौथा घर सुख का है, सातवां घर धर्म पत्नी का या पति का है। इसलिए अपनी एनर्जी को काम में लगाएं, बिना वजह परिवार वालों के साथ या जीवन साथी के साथ लड़ने में ना लगाएं। मंगल उच्च का होकर देख रहा है अष्टम भाव को, शनि भी देख रहा है अष्टम भाव को, और उस दौरान अष्टम के स्वामी सूर्य भी यहाँ से देख ही रहे होंगे, गुरु भी यहाँ से देख रहे होंगे। इसका मतलब है आठवें घर में बल बढ़ रहा है। अचानक से कुछ अच्छा होना, रुका हुआ पैसा मिल गया, गड़ा हुआ पैसा मिल गया, पैतृक संपत्ति से संबंधित फायदा मिल गया, क्योंकि मंगल इलेवंथ लॉर्ड होके भी उच्च का है। इसलिए लाभ के संकेत तो पूरे हैं कि इस दौरान मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, मेरा लाभ भी बढ़ेगा, मेरे लाभ के अवसर भी बढ़ेंगे, और मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये कॉम्बिनेशन प्रेरित भी करेंगे। ये सब कुछ भी हमें बिल्कुल क्लियर कट यहाँ से दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो समय है आपके जीवन में बहुत अनुकूल है, बहुत उपयोगी है। आपको अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में यहाँ लगानी है, और जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे उतना ये मंगल आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो समय है मंगल के गोचर से आपके लिए बेहद खास है। जय श्री राम।